बॉबीज किचन सीक्रेट। जैसे कि आप सब जानते ही है कि थोड़े दिनों में दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन बर्फी। मैंने दिवाली में बनने वाले और भी कुछ मिठाइयों के रेसिपीज पहले ही अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी और इसे मेल्ट करने रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे रवा और इसे हम भूनेंगे लगभग एक मिनट के लिए। एक मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है कि इसे हमें लो फ्लेम में पकाना है। इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, वरना ये जल सकता है। लगभग 15 मिनट हो चुका है और बेसन का कलर चेंज होने लगा है। मुझे लगभग 25 मिनट्स लगा इस बेसन को रोस्ट करने के लिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे एंड इसे और हम थोड़े देर के लिए चलाते रहेंगे, वरना बेसन ब्राउन हो सकता है क्योंकि घी अब भी गर्म है। अब हम तैयार करेंगे शुगर सिरप। उसके लिए हम लेंगे पानी, उसमें हम डालेंगे शक्कर। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम पकाने रख देंगे मीडियम फ्लेम में। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक स्ट्रिंग का कंसिस्टेंसी ना आ जाए। देखिए, हमें इस तरह से चेक करना है। देखिए, एक स्ट्रिंग आ रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मैंने एक ट्रे लिया है और उसे मैंने ग्रीस किया है घी से। इस रोस्टेड बेसन में मैं डालूंगी इलायची पाउडर और तैयार किया हुआ शुगर सिरप। ध्यान रखना है कि बेसन गर्म होना चाहिए एंड शुगर सिरप भी वॉर्म होना चाहिए। मिक्सचर जल्दी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें क्विक रहना चाहिए। इसे हम जल्दी से पोर करेंगे इस ग्रीस ट्रे में। स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसे मैं इस तरह से स्प्रेड करूंगी और उसके ऊपर डालूंगी मिक्स नट्स। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता यूज़ किया है और इसे मैं अच्छी तरह से स्प्रेड करके कम से कम 15 मिनट के लिए सेट करने रख दूंगी। बेसन बर्फी सेट हो गया है। देखिए, इस तरह से हमें इसे पीसेस में कट करना है। अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। लीजिए, रेडी है मेल्ट इन माउथ बेसन बर्फी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। Stay tuned for the upcoming videos. Till then, bye.